कच्चे आम से ऑल पर्पस घरेलू देसी फ्लेवर सिरका बनाएंगे। सिरके की बात की जाए तो यह ट्रेडिशनली फ्रूट से ही बनाया जाता है। काला सिरका गन्ने से और जामुन से बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है आम। आज हम आम का सिरका बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आम को अच्छे से वॉश कर लेंगे और टोपी निकाल कर चार टुकड़े में से डिवाइड कर लेंगे। जो इसके सीड है वो थोड़े हार्ड है, इसलिए हम इसको चार टुकड़े में अमकस की हेल्प से कट करेंगे। यहाँ पर हमें एक तीर से दो निशाना मारेंगे, एक तरफ हम अचार बनाएंगे और दूसरी तरफ हम सिरका। तो इसको इस तरीके से कट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। अगर इस रेसिपी की बात करें तो ये हमारी दादी सास की रेसिपी है, जिसे मेरे हस्बैंड बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है और सीड निकाल लेते हैं। वो बताते हैं कि इनकी दादी हमेशा गर्मी में इसे यूज़ करती थी, बनाती थी और बच्चों को बड़ों को सैलड में छिड़क कर या दाल में या सब्जी में छिड़क कर परोसती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने आज आपके सामने इसे पेश किया है। एक बार ज़रूर करिएगा ट्राई इसे। इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है सीड निकालने के बाद, और फिर यहाँ पर हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और दूसरे बर्तन में रख के इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से स्ट्रेन करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ ही साथ कोई भी इनका नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे हल्दी। हल्दी के फायदे से तो आप वाकिफ ही होंगे। और यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा नमक। हल्दी जो है यहाँ पर हमारे अचार और सिरके दोनों को लाइफ देगा। नमक से ज़्यादा जूस निकलेगा आम का, तो आम का जूस हमें चाहिए, इसलिए हम अच्छे से नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर कोने कोने तक पहुँचाएंगे जिससे अच्छा सा हमें ज़्यादा से ज़्यादा जूस मिले। और अगर हम बात करें, पहले वाइट विनेगर तो होता ही नहीं था, बिल्कुल लोग जानते ही नहीं थे। अब तो हर घर में है इस तरीके से जो विनेगर बनता है, इसे आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मोमोज में या आप कोई भी खट्टी चीज़ यहाँ पर डाल रहे हैं वहाँ पर इसे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक हल्दी लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया है। और नमक हल्दी लगाने के बाद इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे और 1 से 2 हफ्ते के लिए इसे हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले। थोड़ा सा धीरज फ्रेंड के साथ इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए हम बिल्कुल देखेंगे भी नहीं। और यहाँ पर हम जब देखेंगे तो थोड़े दिन के बाद हमें जूस मिलेगा। यहाँ पर 2 दिन के बाद ही हम आपको दिखा रहे हैं तो कितना थोड़ा सा जूस निकला है। यहाँ पर 2 दिन ही है तो अभी थोड़ा सा है, इसे भी हम आपको स्ट्रेन करके दिखाएंगे। और इसी स्टेज पर जब आप इसे सर्व करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो आम अलग, जो अचार है वो अलग हो गया यहीं पर, और इस तरीके से जो बने सिरके हैं वो अलग। अब इसी स्टेज पर आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे जिससे आप इसे थोड़ा सा और रखें। जितना ज़्यादा फर्मेंट होगा ये, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इस इसे 4 दिन के लिए भी छोड़ेंगे और इस अचार से हम अचार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आज तो हम अभी विनेगर बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे सरसों ऑयल थोड़ा ही डालेंगे, 1 चम्मच। और ये है मसाला, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, लाल मिर्च और सरसों। जितने भी मसाले आप अचार में ऐड करते हैं, ये सारे मसाले यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसके साथ में हम डालेंगे गुड़। तो गुड़ जो है वो हमारे खट्टे, नमकीन और मीठे सिरके को बनाकर बहुत ही टेस्टी देगा। तो यहाँ पर आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा पसंद आए उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।